क्या आपकी स्किन ऑयली, ड्राई या सेंसिटिव है? नो मैटर व्हाट योर स्किन टाइप इज, एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। आई एम डॉक्टर संचिका गुप्ता, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन फरीदाबाद। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्किन केयर रूटीन इन दिस वीडियो। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप, इसके लिए आप अपने फेस को सबसे पहले किसी भी माइल्ड क्लेंजर से वॉश कीजिए एंड कोई भी प्रोडक्ट या मेकअप अप्लाई ना करें। वेट फॉर 30 मिनट्स एंड सी हाउ योर स्किन फील्स लाइक। स्किन टाइप 5 टाइप्स की होती है, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन। ऑयली स्किन काफ़ी ग्रीजी एंड शाइनी लुक देती है। ड्राई स्किन काफ़ी रफ, फ्लेकी एंड इची फील होती है। और अगर आपकी स्किन स्मूथ, शाइनी एंड क्लियर है, देन आपका स्किन टाइप नॉर्मल है। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में कुछ एरियाज ड्राई होते हैं एंड कुछ एरियाज ऑयली होते हैं, स्पेशली टी जोन एरिया। एंड अगर प्रोडक्ट यूज़ के बाद या फेस वॉश के बाद अगर आपको रेडनेस या बर्निंग सेंसेशन फील होता है, दैट मीन्स यू हैव सेंसिटिव स्किन टाइप। स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए मॉर्निंग एंड नाइट टाइम के लिए? मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, सी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। आप जब भी आउटडोर होते हैं तो आपका फेस कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड होता है सन से एंड पोल्यूशन से। सो हमारे स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन काफ़ी सिंपल है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन एप्लीकेशन। क्लेंजिंग आपके स्किन से डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में हेल्प करता है। टोनिंग आपके स्किन के पीएच लेवल को रिस्टोर करता है आफ्टर वॉशिंग। अगर आप टोनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज आजकल फेशियल क्लेंजर्स इतनी अच्छी क्वालिटी के आते हैं कि आप टोनिंग को स्किप कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर्स हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने में बहुत हेल्प करता है एंड हमारे स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सनस्क्रीन एप्लीकेशन इज द लास्ट स्टेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज वो हमारी स्किन को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। नाइट टाइम स्किन केयर के बेसिक स्टेप्स हैं मेकअप रिमूवल, क्लेंजिंग, स्पॉट ट्रीटमेंट और सीरम एप्लीकेशन एंड मॉइस्चराइजिंग। मेकअप रिमूवल के लिए आप किसी भी मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने स्किन को क्लेंज कीजिए किसी भी जेंटल क्लेंजर से, जो आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल, डर्ट या मेकअप रेसिड्यूज जो भी रह गए हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। स्पॉट ट्रीटमेंट या सीरम्स आपकी स्किन की नीड पर डिपेंड करता है। अगर आपको ब्लेमिशेस हैं या एक्ने ब्रेकआउट्स हैं या एंटी एजिंग आपका कंसर्न है, तो उसके लिए स्पेसिफिक सीरम्स आते हैं। नाइट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई दीज सीरम्स, बिकॉज जब हम सोते हैं तो मैक्सिमम रिपेयरिंग एंड रिस्टोरिंग इसी समय होती है। रिच मॉइस्चराइजेशन आपके स्किन केयर रूटीन का लास्ट स्टेप होना चाहिए, बिकॉज ये एक प्रोटेक्टिव कोट बना देता है टू प्रिवेंट वाटर इवेपोरेशन व्हाइल यू स्लीप। स्किन केयर फॉर ऑयली स्किन, क्लेंजिंग के लिए किसी भी फोमिंग क्लेंजर का इस्तेमाल कीजिए। लुक फॉर द इंग्रेडिएंट्स लाइक बेंजोइल परऑक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड विच हेजल। आप अपने फेस को दिन में दो बार ही वॉश कीजिए। ज़्यादा वॉश करने से भी आपकी स्किन ड्राई होती है एंड उतना ही ऑयल प्रोड्यूस करती है। मॉइस्चराइजिंग के लिए आप किसी भी वाटर या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते वक्त आप ध्यान दें कि उसमें ऑयल फ्री या नॉन कोमिडोजेनिक का लेबल हो। सनस्क्रीन में फिजिकल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें जिसमें जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट्स हो, बिकॉज ये मैट फिनिश्ड होते हैं एंड ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। स्किन केयर फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, अगर आपकी स्किन ड्राई एंड सेंसिटिव है तो आप सोप फ्री क्लेंजर का इस्तेमाल करें। क्योंकि सोप आपकी स्किन से नेचुरल ऑयल को हटा सकता है, इट इज़ एडवाइजेबल दैट आप सोप फ्री क्लेंजर्स ही यूज़ करें। आप ये भी कर सकते हैं कि नाइट टाइम में किसी भी क्लेंजर से आप अपने फेस को क्लीन करें ताकि दिन भर का डर्ट रिमूव हो जाए। एंड मॉर्निंग में सिर्फ ल्यूकवॉर्म वाटर से आप अपनी स्किन को रिंस भी कर सकते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट्स वही यूज़ करें जो पैराबेन, कलरेंट्स, फ्रेग्रेंस या अल्कोहल फ्री हो। मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ड्राई स्किन में। इट इज़ बेस्ट टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर विद इन 3 मिनट्स ऑफ अ बाथ और फेस वॉश। स्किन केयर रूटीन फॉर स्पेसिफिक स्किन इशूज, एक्ने। जस्ट रिमेंबर द रूल नंबर 1, दैट इज डू नॉट
पिक और पॉप योर एक्ने, बिकॉज आप जितना अपने एक्ने को छेड़ोगे उतना ही ब्लैक स्पॉट्स एंड स्कारिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किन क्लेंजिंग के लिए आप किसी भी फोमिंग क्लेंजर का इस्तेमाल करें, दिन में दो बार ही वॉश करें एंड जस्ट चेक कि उसमें लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड या विच हेजल जैसे इंग्रेडिएंट्स हों। मॉइस्चराइजिंग के लिए जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स ही यूज़ करें। योर स्किन केयर प्रोडक्ट शुड बी ऑयल फ्री एंड नॉन कॉमेडोजेनिक। सनस्क्रीन्स के लिए आप फिजिकल मैट फिनिश्ड सनस्क्रीन्स का ही इस्तेमाल करें जिसमें जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो। स्किन केयर फॉर पिगमेंटेड स्किन, अगर आपकी स्किन में ब्लेमिशेज हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं या किसी भी प्रकार का पिगमेंटेशन है तो आप अपने फेस वॉश में ध्यान दें कि कोई स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट हो जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। पिगमेंटेड स्किन में सीरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज इसमें कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन लाइटनिंग में हेल्प करते हैं जैसे कि विटामिन सी, रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनस्क्रीन एप्लीकेशन विच इज़ अ मस्ट इफ़ यू हैव पिगमेंटेड स्किन फॉर टू रीजन्स। सबसे पहले एक तो यूवी रेडिएशंस आपके पिगमेंटेशन को और डार्क करते हैं। सेकेंडली, आपने जो भी नाइट सीरम्स यूज़ किए उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके स्किन को सेंसिटिव बना देते हैं, इसीलिए नेक्स्ट डे सनस्क्रीन अप्लाई करना और भी ज़रूरी हो जाता है। अब वीडियो के एंड में मैं कुछ आपके मिथ्स क्लियर करना चाहूँगी। लोग कुछ होम रेमिडीज़ फॉलो करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में जैसे कि लेमन जूस, गार्लिक, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, जो कि हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। लेमन जूस काफ़ी एसिडिक नेचर का होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन इरिटेट होती है एंड ब्लैक स्पॉट्स भी आ सकते हैं आफ्टर सन एक्सपोजर। बेकिंग सोडा आपके स्किन के वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है जिससे आपकी स्किन ड्राई होती है। गार्लिक, अगर हम गार्लिक यूज़ करते हैं स्पेशली उसकी रॉ फॉर्म में तो हमारे स्किन में कुछ एलर्जीज, एक्जिमाज या ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। टूथपेस्ट में भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को काफ़ी ड्राई एंड इन्फ्लेम्ड छोड़ देते हैं। आई होप कि इस वीडियो की हेल्प से आप अपने स्किन नीड्स के हिसाब से स्किन केयर रूटीन ढूंढ पाएंगे।